वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं इरशाद अली, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से मैथमेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे डेसिमल्स यानी दशमलव को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ज़रूर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप से आप मेरे कोर्सेज से स्टडी कर सकते हैं। लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद में लर्निंग ऐप में सर्च करेंगे APPSC कैटेगरी में इरशाद अली, मेरे कोर्सेज पर सीधे पहुँच जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए डेसिमल्स को समझते हैं पहले। ये आपको एक सामने सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल के मैंने पहले इसको दो हिस्सों में बांटा, फिर मैंने चार में बांटा, फिर मैंने छः में, फिर आठ में। इस तरह से मैंने इसके अलग अलग पार्ट्स कर लिए, फिर दस में। तो ये जो सभी पार्ट्स हैं ये एक्चुअली इक्वल पार्ट्स कर लिए मैंने, इसको दस बराबर भागों में बांट लिया इसको। अब मुझे बताना है कि एक पार्ट कितना हुआ। ये एक पार्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैथमेटिक्स में, गणित में कैसे इसको लिख कर बताएंगे। आपको पता है ये जो सर्कल है ये एक है, कोई भी बोर्ड हो सकता है लकड़ी का, इसको काट लिया, एक बोर्ड है ये। तो मैंने एक बोर्ड के आपके सामने कितने हिस्से किए, दस हिस्से। मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था आपको फ्रैक्शन से स्टार्ट की थी, तो एक को जब हम बांट रहे हैं, बांटने का मतलब मैथ में होता है डिवाइड करना, डिवाइड का मतलब ही होता है बांटना। हमने एक को यहाँ डिवाइड का निशान होता है ये, आप बोलते हैं बांटने का मतलब यहाँ ये भाग वाला निशान है, डिवाइड का ये चिन्ह होता है। तो यहाँ से हमने इसको एक को वन को दस जगह डिवाइड कर दिया, ठीक है, यानी वन को डिवाइड किया दस जगह, तो इसको बोलेंगे हम वन टेंथ, यानी एक का दसवां हिस्सा, एक का दसवां हिस्सा, वन टेंथ। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। एक बटी दस हो गया, ये वन टेंथ हो गया, यानी एक का दसवां हिस्सा। ऐसे ये है, इसको क्या बोलेंगे, दो का दसवां हिस्सा, दो बटे दस को बोलेंगे दो का दसवां हिस्सा, तीन को तीन बटे दस को बोलेंगे तीन का दसवां हिस्सा। अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, देखिए वन को मुझे डिवाइड करना है, यहाँ देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, वन को डिवाइड करना है मुझे दस से। एक बटे दस का मतलब है आप वन को डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, अलग अलग बांट रहे हैं। तो एक को आप दस जगह बांटना है आपको, तो आप क्या करेंगे, दस से डिवाइड करेंगे इसको। देखिए दस से डिवाइड करेंगे, ये संख्या तो छोटी है, ये डिवाइड कैसे होगा, जब डिवाइड नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे। जब कभी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं और जीरो ऐड करते हैं तो आप एक दशमलव लगाते हैं, यहीं से शुरुआत होती है इस पॉइंट की, दशमलव की, ठीक है। जब आप छोटी संख्या को बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड नहीं हो पाता है तो आपको एक जीरो लेना पड़ता है और वहाँ आप दशमलव को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब ये एक बार चला जाएगा, दस से कम दस, टेन वन ज़ार टेन, ठीक है। तो अभी यहाँ कुछ नहीं शेषफल बचा, तो कितना आ गया हमारा, यानी आपने इस वन को दस जगह डिवाइड किया तो हर एक पे कितना हिस्सा पड़ा, पॉइंट वन। आप पॉइंट वन को दस बार ऐड करेंगे तो वन ही आएगा, इसका मतलब क्या है, हर एक पर जो है पॉइंट वन हिस्सा पड़ा इसका, इस तरह से। अब आपको ऐसे नहीं करना है हर बार, ये डिवाइड नहीं करना है, ये सब नहीं करना है हर बार। अब सुनिए, अगर दो बटे दस लिखा है तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, दो के लेफ्ट साइड में चलेंगे और जितने जीरो यहाँ पर है, मान लीजिए वन जीरो ही है, तो दो के बाद डायरेक्टली उस डिजिट के बाद, उस नंबर के बाद दशमलव लगा देंगे डायरेक्टली। यहाँ पर क्या आया, एक के जस्ट पहले आ गया दशमलव, क्योंकि यहाँ एक ही जीरो था। अभी यहाँ एक ही जीरो है तो यहाँ दो से पहले आ जाएगा दशमलव। ऐसे ही यहाँ आठ को अगर आप दस से डिवाइड कर रहे हैं तो दशमलव आठ के जस्ट पहले आ जाएगा, जस्ट पहले मतलब लेफ्ट साइड में यहाँ, ठीक है। ऐसे ही तीन के लेफ्ट में आएगा, ऐसे ही नौ के अगर दस से डिवाइड कर रहे हैं। चलिए अब हम चेंज कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये हिस्से जो अभी हमने दस हिस्से किए थे, अभी इस कार्डबोर्ड के मैं सौ हिस्से कर दिए, तो मैंने एक के कितने हिस्से कर दिए, सौ, सौ सौ भागों में बांट दिया इस एक कार्डबोर्ड को, ठीक है। तो ये क्या है, 100, इसको बोलेंगे एक का सौवां हिस्सा। अब इसको कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर ये वन है और आपको 100 से डिवाइड करना है, तो देखिए ये वन नहीं जाएगा, वन तो बहुत छोटा है 100 से, 100 के टेबल में आता ही नहीं है वन, तो आप क्या करेंगे, वन जीरो ऐड कर देंगे यहाँ। जब यहाँ वन जीरो ऐड करेंगे तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, अभी बताया था आपको, ठीक है। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर अभी भी देखिए 10 छोटा है, तो आप क्या करेंगे, एक जीरो और ऐड कर लेंगे। जब कभी आप डबल जीरो ऐड करते हैं तो एक जीरो यहाँ और बढ़ा देते हैं आप। अब इसको एक बार डिवाइड करेंगे, 100 वन ज़ार 100, तो 0.01 आएगा आपका, ठीक है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, यहाँ से मुझे जो बताना है वो समझिए, यहाँ से बेसिक से बता दिया क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। अब आपने क्या किया, इस वन को 100 टाइम डिवाइड किया, इसका मतलब ये है, ये हमारे पास यहाँ 20 हैं। अब डायरेक्टली आप कैसे करेंगे, तो 20 का मतलब है कि आपको ये जो ऊपर वाली संख्या है, अंश में जो संख्या दी हुई है, इस संख्या के लेफ्ट में आएंगे और मतलब इस संख्या को इंक्लूड करते हुए पूरे दो डिजिट पहले आप दशमलव लगा देंगे। देखिए यहाँ तो वन है, वन से अब आपको चाहिए दो डिजिट से पहले लगाना, क्योंकि हमारे पास दो जीरो हैं, तो आप एक जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे और यहाँ दशमलव लगाएंगे,
तो ये एक को डिवाइड करने पे 100 से इतना आता है, ऐसे ऐसे करना होता है आपको, ठीक है। अब देखिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको यहाँ से। 3/100 है, 3/100 को आप क्या करेंगे, देखिए अभी अभी भी बताया था, जस्ट यहाँ पर 3 से ये देखिए ये 3 है, 3 आपको क्या चाहिए, नीचे 100 है, तो इसका मतलब क्या है, 2 डिजिट पहले लगेगा। तो टोटल 2 डिजिट कब होंगे, जब 0 और इसके आगे ऐड करोगे, अब 2 डिजिट हो गए, तो ये 0.3, 0.03, ऐसे ही 4 को 0.04, ऐसे ही 0.08, सिंपल है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, 100 को, अगर देखो आपको 100 को लिखना हो तो पावर्स में कैसे लिखोगे, तो आप लिखेंगे 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 100 ही होता है ना, 10 × 10, 10 की पावर 2 का मतलब 10 × 10, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100 8 डिवाइड बाई 10 की पावर 2। इस 10 की पावर 2 को आप ऊपर ले जाएंगे, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। मैं पहले बता चुका हूँ, जो आपका यूपी टेट के लिए मैंने मैथमेटिक्स कराया है वो काफ़ी सारा सुपर टेट के सिलेबस में भी शामिल है, वहाँ से कर लीजिए। मैं यहाँ सिर्फ वही टॉपिक कराऊंगा जो बाकी बचते थे उस कोर्स के अलावा, सेम वही आएगा, कोई स्पेशल चीज़ नहीं होती है दुनिया में। देखिए अब है 25/10 है, 25 का 10वां हिस्सा कितना होगा, तो मैंने बताया था आपको जब 1 0 होता है तो आप जो आपके राइट साइड में जो डिजिट होता है, मान लीजिए 25 है, 25 के राइट साइड में क्या है, ये वाला डिजिट है, इसके लेफ्ट में आएंगे आप, इस साइड में आएंगे, और अगर 10 10 है तो यानी 1 0 है, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे एक के बाद में। जस्ट अभी 10 10 से कर रहे थे हम, ऐसे ही इसमें करके देखिए, यहाँ पर 1 0 है तो सिंपली एक के बाद में, सॉरी एक के पहले हम दशमलव लगा देंगे। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका 100 है, अब 100 लिया तो 100 का मतलब 2 0, यानी दो नंबर से पहले या 2 अंकों से पहले हमें को है दशमलव लगाना है, लगा दिया हमने सीधा। यहाँ पर 3 0 है तो इसका मतलब क्या है, 3 डिजिट से पहले दशमलव लगाना है, तो ये दशमलव लगा दिया है। इसका मतलब ये है कि हम जब 423 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, वो जो आप डिवाइड करके मैंने दिखाया था उससे अवॉइड करने के लिए डायरेक्टली हम ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 को अब 1000 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 1 को जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 3 0 है तो टोटल 3 डिजिट बना लीजिए, कितने हो गए अभी, 2 हो गए, 1 डिजिट और, यहाँ अब कितने हो गए, 1 2 3 डिजिट हो गए, और 3 के बाद ही हमने दशमलव लगा दिया। इस तरह से आपको करना रहेगा, ठीक है। ऐसे ही आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1000 को इसको लिख सकते हैं आप 10 की पावर, नीचे 3 लिख सकते हैं, और इस जब ये ऊपर आएगा 1 × 10 की पावर -3, ऐसे भी ये दोनों तीनों बातें बराबर है, ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए कॉन्सेप्ट बताना है आपको अब यहाँ से, दशमलव का तो हो गया, बार की प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी। देखिए 1/3 है, यानी 1/3 हिस्सा, आपने जो है इस 1 को 3 से डिवाइड करना है, तो मैंने इसको 1 को यहाँ लिख लिया और 3 से इसको डिवाइड करना है। अब आप क्या करेंगे, देखिए ये 1 तो 3 से छोटा है, इसको डिवाइड करने में प्रॉब्लम है, तो अभी आप क्या करेंगे, 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। जब आप यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ दशमलव आपको लगाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ कितना हो गया, 10 10 हो गया। आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं इस 10 में, जब इस 10 में डिवाइड कर सकते हैं तो 3 3 9 हो जाएगा, दशमलव के बाद 3 3 9, तो यहाँ बचे 1, है ना, अभी 1 यहाँ, तो यहाँ तक तो खत्म हो गया, 0 था ही नहीं हमारे पास अभी तक। अब आप क्या करेंगे, 1 0 और बढ़ा लेंगे यहाँ, फिर 3 से आप 3 3 9 डिवाइड करेंगे, फिर अब यहाँ 1 बचा, फिर से आप 0 बढ़ा लेंगे, 3 3 9, एक बार दशमलव लगा दिया तो 1 0 आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको 2 0 बढ़ाने एक साथ तो आप 1 0 यहाँ ऐड करना पड़ेगा, तो आप जितनी बार भी डिवाइड करते रहेंगे 3 3 3 3 आता ही रहेगा, रिपीट होता ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/3 को जब आप डिवाइड करते, 1/1 को आप जब 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 0.3333, ये अनंत तक चलता रहेगा, कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी, मतलब ये रिपीट होता ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, इन बार बार 3 2 आ रहा है इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस संख्या को हमें रोकना होता है। अभी क्या करेंगे, हम इस संख्या के ऊपर लगा देंगे 3 के ऊपर बार, क्योंकि 3 के ऊपर बार क्यों लगाया, बार का मतलब ये है कि ये 3 जो है रिपीट हो रहा है, जिस नंबर जिस डिजिट के ऊपर बार लग गया समझ लीजिए वो रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पॉइंट खाली 3 के ऊपर बार लगाया तो इसका मतलब आगे क्या है, हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो इसका मतलब होता है 3 3 3 3 3, ठीक है, मतलब 3 चलता ही चला जाएगा। अगला एग्जांपल देखिए, आपको 10 को डिवाइड करना है 9 से। चलिए 10 को मैंने डिवाइड किया, 9 एकम 9, यहाँ एक बार गया, ठीक है, यहाँ दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक बार चला जाएगा। अभी यहाँ 1 बचा, जब यहाँ 1 बचा तो अब 1 को नहीं दे पाएंगे डिवाइड, तो हमने यहाँ 0 ऐड कर लिया, ठीक है, 0 ऐड कर लिया, तो तब हम दशमलव लगा देंगे, यहाँ दशमलव लगा दिया। अब फिर से एक बार जाएगा 9 एकम 9, फिर एक बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर 9 एकम 9, मतलब अब चलता रहेगा 1.1111 करके। अब ये आगे वैसे ही है, ये वाली सिचुएशन क्रिएट होगी जो ऊपर वाले क्वेश्चन में थी, तो 1.1111 ये सब चलता रहेगा अनंत तक, ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा ये।
इनफाइनाइट मतलब जहाँ कोई ख़त्म ही ना हो, चलता ही चला जाए। अब फिर से इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, बार को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम क्या करेंगे, देखिए एक रिपीट हो रहा है, जहाँ से रिपीटेशन शुरू होता है वहीं से बार लगा दीजिए। एक बार बार आ रहा है तो इस एक के ऊपर ही बार लगा दीजिए, 1.1 बार। तो 10/9 को आप क्या लिख सकते हैं, 1.1 बार। इंपॉर्टेंट है, अब देखिए इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं, सवाल आते हैं इस पर ऐसे, बस कॉन्सेप्ट जो है डेवलप हो गया आपका। तो कन्वर्ट 0.3 बार इंटू फ्रैक्शन, जो 0.3 बार को जो है आपको भिन्न में बदलना है। आपको पता है जो पॉइंट ये बार वगैरह होते हैं ये सब फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है, ये डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं इनको, दशमलव भिन्न, है ना। कैसे बदलेंगे इसको, जब आपको कभी ऐसे दिया हो और इसको भिन्न में बदलना हो तो आप क्या एक काम करेंगे, इसको याद रखिए हमेशा, जो जो नंबर है उसको ऐसे ही लिख लीजिए, और जिस जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा है उतने ही नाइन नीचे लिख देंगे आप, उतने ही नाइन नीचे लिख देंगे। समझ में आ गया, मतलब जिस डिजिट के ऊपर, जिस संख्याओं के, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतने नाइन नीचे लिख देंगे। यहाँ 3 पहले लिख लिया हमने, और इसके जो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 3 के ऊपर 1 बार लगा तो आप 1 9 से डिवाइड कर देंगे इसको, इसका मतलब होगा 3 × 3 3 × 9 1/3। अब आप कर लेना इसको, जो हमने शुरुआत में लिया था 0.3 बार, वो कितना आया था, 1/3 ही था ना, वो अभी पीछे पिछली स्लाइड में देखा है। अगला सवाल देखिए, कन्वर्ट करिए इसको फ्रैक्शन में, एक भिन्न में बदलिए इसको, फ्रैक्शन मतलब भिन्न होती हैं। तो इसको क्या करेंगे, 1 को देखिए 1.6 बार, तो इसका मतलब ये होता है हम 1 में जो है आप अगर 0.6 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 1.6 आएगा। तो 1 प्लस 0.6 बार को हमने अलग कर लिया, हमें बार वाले पर काम करना होता है, ठीक है। बार वाले का भी मतलब बताया, आप जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ऊपर है तो वो वही रहेगा जो है, जो नंबर है वही वही रहेगा अंश में, ऐसे ही लिख लिया 6 को, और जितने नंबर्स पर बार लगा हुआ उतने 9 नीचे लिख दिए, 6/9, 9 लिखना कंपलसरी है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, नीचे नो आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 × 9 और 6, 9 + 6/9, तो 15/9, 5/3 आ गया, 3 कैसे आया, 3 × 3 9, 3 × 5 = 15, एक ही टेबल में आ रहे हैं दोनों। अगला देखिए, अब यहाँ पर हमने दूसरा एग्जांपल लिया है जिनके ऊपर 2 डिजिट्स पर बार है। देखिए 2 डिजिट वालों को कैसे करेंगे, 0.43 का बार मैंने बताया था शुरू में, तो लिखेंगे यहाँ पर ऊपर अंश में तो वही संख्या लिख लेंगे जिन पर बार है, जितनी संख्याओं पर भी बार है वो कम्प्लीटली वैसे ही लिख लीजिए। वहाँ 0.3 पर बार था तो 3 को लिखा था हमने, यहाँ 0.43 दोनों पर बार है तो दोनों को लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, इस बार को हटाने के लिए जितने नंबर्स पर, जितने डिजिट्स पर बार है उतने 9 से डिवाइड कर देंगे, यानी 2 डिजिट्स पर बार है तो आप 99 से डिवाइड कर दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 0.125, मैंने 3 डिजिट्स का ले लिया जिनके ऊपर 3 डिजिट्स पर बार है, तो 1.125 का बार है, इसको ऐसे ही लिख लीजिए बार को। और अब इस बार की जगह आप जो है 3 बार, मतलब 1 2 3 अंकों पर है ये बार, तो आप 3 9 से 3 बार 9 जिससे जो है डिवाइड कर देंगे इस तरह से, ये इसका हो जाएगा आंसर, ये फ्रैक्शन हो जाएगी इसकी। अब एक और सवाल लीजिए, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि कन्वर्ट दिस 1:2 इंटू फ्रैक्शन, दिए गए दशमलव भिन्न को जो है सिंपली भिन्न में बदलिए, 2.18। देखिए इनको सेपरेट हम कर सकते हैं, 2 को अलग कर सकते हैं प्लस 0.8 को अलग कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये सिंपली यहाँ 8 पर है, ये 1 पर नहीं है, 8 पर है, इसको यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, सिंपली 8 पर ही है ये, ठीक है, यहाँ से इसको डिलीट कर लीजिएगा, 8 पर रहने दीजिए इसको, 8 पर यहाँ से, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट छिपा, मैं बताता हूँ आपको। पहले अभी तक क्या दिया हुआ था, पॉइंट के बाद में कोई अंक शुरू हो रहा था उसको या तो बार ऐसे दिया हुआ था, या बार 2 डिजिट दिए हुए तो ऐसे दिया हुआ था, बट कोई ऐसा नहीं था कि जिस पर दशमलव के एक अंक छोड़कर बार हो। तो ये यहाँ पर 2.18, सिंपली 8 पर बार है यहाँ पर, ये वाला मानिए आप, ये जो है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी बताया था जस्ट इस 2 को ऐसे ही रखे रहने दीजिए यहाँ पर, अभी बताया था जितने, देखिए इस ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, पहले तो संख्या को आप पूरा लिख लेंगे, पूरा लिख लिया, जब कभी दशमलव के बाद जो शुरुआत का अंक, एक अंक छूटा हो या 2 अंक छूटा हो बार से, ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस पूरी संख्या को यहाँ लिखेंगे और पूरी संख्या में जिस पर बार नहीं लगा है उस संख्या को माइनस कर देंगे उसमें से, ठीक है। और दूसरा काम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जब हम करते थे जितने नंबर्स पर बार होता है उतने 9 नीचे लिखते हैं, 8 पर बार है, एक ही अंक है तो यहाँ 9 लिख दिया, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0 उस 9 के आगे लगा देंगे, यहाँ लगा दिया, ठीक है। ये सिंपल है, फंडे हैं, और ये आपको याद रखने, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इसके, हमेशा यूनिवर्सल है,
चलिए यहाँ 18 में से 11 17 बचा और ये 90 बचा। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो भी इतना ही आएगा। मैं डायरेक्टली जब कभी आपको ऐसे दिया रहे तो डायरेक्टली आप क्या किया करो, प्लस अगर दिया रहे तो इसको 2 से ही 17/90 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ पूरे अपने स्टैटिक कोर्स में मैथ्स के जो चैनल पर अवेलेबल है आपको। 1.16/12 इंटू फ्रैक्शन में चेंज करना, आप 1.16 को क्या लिख सकते हैं, 1+0.16। अभी देखा था जस्ट हमने एक और एग्जाम्पल ये उसके जैसे जैसे पिछला किया था। देखिए जितने नंबर हैं आपको पहले उस टोटल नंबर को यहाँ लिख लीजिए, जैसे हम पहले करते थे 16 लिख लिया, 16 में से उस नंबर को घटा दीजिए जिस पर बार नहीं है, बार 1 पर नहीं है तो बार यहाँ पर उस नंबर को ही घटा दीजिए सीधा, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर देखिए, अब हर में क्या लिखेंगे, एक नंबर पर केवल बार है तो हमने 1 9 लिख दिया, एक नंबर पर जितने नंबर पर बार है उतने 9 लिखेंगे और जितने नंबर पर नहीं है उसके लिए उस 9 के आगे 0 लिखेंगे, 1 पर बार नहीं है तो 0 लिख दिया, ऐसे ही कर लेंगे। अब ऊपर बचा 15, यहाँ बचा 15/90, 15 × 15 = 90, तो 1+1/6 डायरेक्टली आप 1 से 1/6 लिख सकते हैं इसको। अगला सवाल, अब बार को हटाने के लिए, अब इसको सुन लीजिए, बार को हटाने के लिए जितने अंकों डिजिट्स पर बार लगा होता है उतने 9 हर में लिख देते हैं, ठीक है, और जितने अंकों पर बार नहीं लगा होता है उतने अंकों के लिए आप 0 बढ़ा देते हैं 9 के आगे, ठीक है। अब देखिए ये आपको दिया होगा 0.04 का बार है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था 4 को ऐसे ही लिखेंगे, जो संख्या है उसको ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ पर कोई संख्या है ही नहीं जिन पर बार नहीं है तो आप उसको -0 लिखेंगे तो लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली यहाँ आ गया। और जितनी संख्याओं पर बार है उतने ही 9 नीचे लिख दिए, 4/9। इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका क्या मतलब होता है, 0.44444। अब 4/9 को टैली करिए, क्या इतना ये बराबर आ रही है, ये चीज़ मैंने यहाँ लिखा है 4/9, 4 को लिख लिया मैंने यहाँ से, 4 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा डिवाइड, तो आप क्या करेंगे 0 यहाँ ऐड कर लेंगे, जब 1 0 ऐड करेंगे तो यहाँ दशमलव को इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ, ठीक है। तो 9 × 36 हो गए, यहाँ बचा 4 और फर्दर 0 बढ़ा लीजिए और यहाँ फिर 9 × 36 चार बार जाएगा, फिर चलता ही रहेगा ये, मतलब 36 36 बारी चार बार ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो जब अब रिपीटेशन हो रही है यहाँ पर 4 4 4 4 की इनफाइनाइट टाइम, तो इस 4 के ऊपर हमने बार लगा दिया, यही 4 तो था 4/9, 4/9 का 4 से 4 को आप 9 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। सिंपल पूरा सेटिस्फेक्शन आपको हो गया होगा कि कैसे करते हैं, दोनों तरह से मैंने करके दिखा दिया। अब ये 0.325 है, 325 को डिवाइड कर दिया हमने 999 से, ये भिन्न में बदल गया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि तीनों के ऊपर बार है, तीनों के ऊपर बार, एक डिजिट के लिए अगर एक डिजिट पर बार है तो 1 9 लिखते हैं, 2 डिजिट पर है तो 2 9 लिखते हैं, 3 डिजिट पर है तो 3 बार 9 लिखते हैं। चलिए अब देखिए इस तरह के सवालों को, 0.38 को भिन्न में बदलिए, 0.38 का बार को भिन्न में बदलना है। मैंने बताया था कि जो पूरा नंबर जो है उसको ऐसे ही लिखेंगे और उसमें से उस नंबर को माइनस कर देंगे जिस पर बार नहीं है, 3 पर बार नहीं है तो 3 को माइनस कर दिया। अब 1 8 पर ही बार है तो उसके लिए 9 लिख दिया और 3 पर बार नहीं है तो उसके लिए 0 लगा दिया, कई बार बता चुका हूँ ये चीज़ मैं अभी। यहाँ पर कितना बचा, 35/90, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 से कर लीजिए, 5 × 7 = 35 और 5 × 5, 5 × 5 हुआ 5 × 8 = 40, तो ये हो गया 7/18। अब इसको भिन्न में बदलना है और क्वेश्चन लिया है मैंने 0.3848 को जो है भिन्न में बदलना, हर तरह के मैंने ले लिए हैं सारे, आप देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पूरा 348 लिखिए, पूरा कंप्लीट लिखिए अंश में, और उस कंप्लीट में से जो 3 है जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए, ठीक है, घटाया बार। अब आप क्या बचा, यहाँ 2 अंकों पर है, नीचे सिर्फ केवल 2 अंकों पर 9 है, सॉरी 2 अंकों पर बार है तो आप नीचे जो है 2 × 99 लिखेंगे, ठीक है, पहले आपको बार वाले लिखने हैं 99। अब 3 पर बार नहीं है इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 0 ऐड कर देंगे, ऐसे किया हमने, ये 348 में से 3 गया तो 345, 990 बचा, 49/198 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, काट लेंगे इसको। आगे देखिए, अब 0.2375 के बार को भिन्न में बदलना है, वही करेंगे, पूरे चारों को लिख लीजिए यहाँ, चारों में से उस नंबर को माइनस कर दीजिए अंश में से जो नंबर पे बार नहीं है, 2 को बार नहीं है तो लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 3 पर बार है, 3 डिजिट पर बार है तो 3 बार यहाँ 0 लिख दीजिए, और इस टू पर नहीं है तो 1 डिजिट है ऐसा तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, ये आ गया फ्रैक्शन, इसको ऐड करिए, ऐड करेंगे 0.35 का बार, 0.24 का बार, ठीक है, इन सबको ऐड करना, ऐड कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे, 35 को ऐसे ही लिख लेंगे और जिस पर बार नहीं है उसको घटा देंगे, 3 को घटा दिया और यहाँ पर सिर्फ 5 पर है बार तो यहाँ 1 9 लिख दिया, और ऐसे ही 3 पर बार नहीं है तो यहाँ 0 लिख दिया, सबके साथ में वही किया है हमने यहाँ,
वैसे ही 0.24 को लिखिए 0.4, अब इनको आप कर सकते हैं सिंपली सिंप्लीफाई। तो यहाँ 32 बचेगा, यहाँ 22 बचेगा, यहाँ 53 बचेगा, सबके डिवाइड में 90 है, तो 90 डायरेक्टली एलसीएम आ जाएगा और सीधे ऊपर ऐड हो जाएंगे सारे। चलिए अगला देखिए, 0.2536 पर बार है इस बार, थोड़ा चेंज कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, 2 को अलग कर लेंगे और पूरे इनको 0.536 को अलग कर लेंगे, 6 पर बार है सिंपली, तो पूरे 536 को लिख लिया ऐसे ही। 53 पर बार नहीं है, 53 पर जितनों पर बार नहीं होता उतनों को माइनस कर लेते हैं, 53 को माइनस कर लिया। अब यहाँ केवल 9 पर, केवल 6 पर बार है, तो एक बार 9 लिख दिया मैंने यहाँ, और जिन पर बार नहीं है 5 और 3 पर, उनके बदले में 2 अंकों की जगह 2 जीरो यहाँ लिख दिए, सॉल्व हो गया, ख़त्म कहानी। ठीक है, इसको घटा लो यहाँ से, ये आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद में। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो इसको ऐसे कर सकते हैं, ये आया ना हमारा अभी इसको, इस वाले पोर्शन को, तो इसमें 2 और ऐड करना था, डायरेक्टली ऐड कर दिया यहाँ। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आप कर लोगे, मुझे पता है इतना। ठीक है, अब देखो मैंने वहाँ 90 वाला लिया था, 99 वाला लिया, कैसे देखो दोनों दोनों डिजिट्स पर क्या है, बार है, तो आप क्या करेंगे 32 को ऐसे ही लिख देंगे, जितने डिजिट्स पर बार है उनको ऐसे ही लिख दिया, और अब आप क्या किया 99 से उसको डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि 2 पर 12 है, तो 2 पर 12 के लिए 2 बार 9 से डिवाइड कर दो, ऐसे ही 12 को 2 बार 9 से डिवाइड करो, ऐसे ही 13 को, जब आप एलसीएम लेंगे क्योंकि हर में एक जैसे हैं सब, तो सबको ऐड कर दो सीधे, 57/99 आंसर खत्म। चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया आपका, मैथ्स में हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लेंगे बीजगणित में, उसको भी कर लेंगे। देखिए चार टॉपिक मैंने बनाए हैं पहले, जो आप जो बीजगणित पर मैंने कुछ एक वीडियो बनाया था, एक नहीं 3-4 वीडियो, उनको आप देख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी सारे कर रखे हैं अभी, सिर्फ ज्योमेट्री का पोर्शन और बचता है, उसको मुझे कराना है, बाकी सारा मैथ्स का मैं करा चुका हूँ, वो नहीं कराएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। आप चैनल पर अवेलेबल हैं, जो यूपी टेट के समय आप पढ़ रहे थे वो भी, और दूसरा जो आप पढ़ रहे थे बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी है, उसको भी पढ़ सकते हैं, चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है ये सारी चीज़ें। बाकी नोट्स दिए हैं आपको, टेलीग्राम से ले लीजिए या फिर आपको मैं अलग से देता हूँ उनको, टेलीग्राम में पढ़े हैं सारी चीज़ें, आप पता नहीं समझते नहीं हैं, टेलीग्राम से ले लीजिए वहाँ, जिनको जिनके पास नहीं पहुँचे हैं, व्हाट्सएप में पहुँचाना बहुत मुश्किल हो रहा है, मैंने कई बार आपको सेंड किए हैं बट वो नहीं हो रहे हैं, बल्क मेरे पास बल्क में है कॉन्टैक्ट नंबर, तो नहीं जा पा रहे हैं किसी को भी, इसलिए कह रहा हूँ कि वो टेलीग्राम ज्वाइन करके उसको ले लीजिए वहाँ से। थैंक यू सो मच।